आंखें हम जीव जगत के हर प्राणी का एक महत्वपूर्ण अंग है, ऑब्वियसली, क्योंकि हम इन्हीं से तो इस धरती और ब्रह्मांड की खूबसूरती से रूबरू हो पाते हैं। वेल, आज हम जो भी चीजें देख पा रहे हैं, चाहे वो स्टार्स हों, गैलेक्सीज हों, इंसान हों, या फिर हमारे आसपास हम जो भी देख पा रहे हैं, वे सभी चीजें मैटर यानी पदार्थ से मिलकर बनी हुई हैं। और इन दिखने वाले पदार्थों को अगर जूम करके देखा जाए तो हमें पता चलेगा कि एटॉमिक स्केल पर ये पदार्थ मिलकर बने होते हैं न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स से। और ज्यादा गहराई पर जाने पर पता चलेगा कि ये न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स भी क्वार्क से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें बारियॉन्स कहते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि हम जो भी देख पा रहे हैं इस विशाल से ब्रह्मांड में, वो ब्रह्मांड का मात्र 5% ही है। वेल, तो फ्रेंड्स, मैं हूं पंकज और स्वागत है आपका एक बार फिर से एक और नए वीडियो में। और आज मैं बात करने वाला हूं इस यूनिवर्स के कुछ सबसे बड़े रहस्यों की। तो जानने के लिए बने रहे मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी अपनी एक वीडियो में बताया था कि इस ब्रह्मांड में मौजूद हर पिंड और वस्तु एक स्ट्रक्चर के रूप में बंधे हुए होते हैं, जैसे तारों के झुंड गैलेक्सीज के रूप में और गैलेक्सीज के झुंड क्लस्टर्स के स्ट्रक्चर्स के रूप में बंधे हुए होते हैं। तो क्या आपके दिमाग में कभी ये बात आई है कि ये तारे इस तरह से स्ट्रक्चर्स में क्यों बंधे हुए होते हैं और क्यों कोई तारा एक गैलेक्सी को छोड़कर दूसरी गैलेक्सी में नहीं जाता है? ऑफ कोर्स, ग्रेविटी की वजह से। जी हाँ, ग्रेविटी एक ऐसी फोर्स है जिसकी वजह से कोई खगोलीय पिंड अपने से बड़े और ज्यादा मैस वाले पिंड के चक्कर लगाता है। पर यहाँ सोचने वाली बात यह है कि क्या ये वाकई पॉसिबल है कि किसी गैलेक्सी में इतना ज्यादा मैस होता होगा कि वह अपने अंदर मौजूद सभी तारों को बांध कर रख सके? अब जरा अपनी पृथ्वी के चंद्रमा को ही ले लीजिए। हमारा चांद पृथ्वी के चारों तरफ एक निर्धारित स्पीड से चक्कर लगा रहा है, क्योंकि पृथ्वी की ग्रेविटी ने उसको अपनी ऑर्बिट में बना के रखा हुआ है। लेकिन अगर चंद्रमा अपनी मैक्सिमम स्पीड से ज्यादा स्पीड में पृथ्वी के चक्कर लगाने लगे तो वह उसकी ग्रेविटी के प्रभाव से निकल जाएगा। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये पता लगाया जा सकता है कि दूर उपस्थित गैलेक्सीज में मौजूद तारों की स्पीड कितनी है जो उस गैलेक्सी के प्रभाव में आकर उसका चक्कर लगा रहे होते हैं, और तो और उस गैलेक्सी का टोटल मैस कितना हो सकता है। लेकिन साल 1933 में एक खगोलविद ने अपनी ऑब्जर्वेशंस में पाया कि कुछ गैलेक्सीज अपने टोटल मैस से लगभग 100 गुना ज्यादा स्पीड यानी गति से घूम रही थी, और अपने मैस से इतनी ज्यादा स्पीड से घूमने के बावजूद भी उनके अंदर मौजूद सितारे अपने स्ट्रक्चर में एज इट इज बंधे हुए थे। जी हाँ, ये बात है सन 1933 की, जब कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एक खगोलविद के रूप में कार्यरत स्विस अमेरिकी खगोलविद फ्रिट्ज विकी अपने शोध के दौरान एक कोमा नाम के गैलेक्सी क्लस्टर के किनारों पर स्थित गैलेक्सीज के द्रव्यमान के आधार पर कोमा क्लस्टर के द्रव्यमान की कैलकुलेशन कर रहे थे। इसके लिए उन्होंने इस क्लस्टर पर वायरियल थ्योरम का यूज किया। तब उन्हें अपने ऑब्जर्वेशंस के दौरान इस क्लस्टर में कुछ लापता मैस का पता चला, और साथ ही साथ ये भी पता चला कि उस क्लस्टर की कुछ गैलेक्सीज अपने नियत वेग से कुछ ज्यादा ही स्पीड से घूम रही थी। यानी कि कैलकुलेशंस में पाया कि इन गैलेक्सीज में कुछ ऐसे पदार्थ भी मौजूद हैं जिनका द्रव्यमान तो है लेकिन वो दिख नहीं पा रहे हैं, यानी कि वो तारों के रूप में नहीं है, या फिर दूसरे शब्दों में यूं कह लें कि वो पदार्थ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का उत्सर्जन नहीं कर रहे थे और ना ही उसका परावर्तन कर रहे थे। और तब उन्होंने इस ना दिखने वाले पदार्थ को नाम दिया मिसिंग मैस प्रॉब्लम। सबसे अजीब बात तो ये थी कि उन गैलेक्सीज में उस ना दिखने वाले पदार्थ का मैस दिखने वाले पदार्थ के मैस से काफी अधिक था। तब से ये मिसिंग मैस प्रॉब्लम कई सालों तक सवालों के निशानों पर रहा, पर इस पर कोई ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन जल्द ही साल 1970 में संयुक्त राज्य अमेरिका में वॉशिंगटन स्थित कार्नेज इंस्टीट्यूट के स्पेस मैग्नेटिज्म में एस्ट्रोनॉमर्स के पद पर कार्यरत वेरा रूबिन और उनके सहयोगी कैंट फोर्ड साथ मिलकर एक शोध में लगे हुए थे, जिसमें वे स्पेक्ट्रोग्राफ की मदद से स्पाइरल गैलेक्सीज के रोटेशन पाथ का मेजरमेंट कर रहे थे। और इस दौरान उन्हें उम्मीद थी कि इन गैलेक्सीज के बीच में यानी कि केंद्र में भी तारे होंगे, लेकिन ऑब्जर्वेशंस में जो परिणाम निकले वे उनकी उम्मीद से परे निकल कर आए। दरअसल उन गैलेक्सीज में जो भी ज्यादा मैटर था वह उनकी सतह पर ही संकेंद्रित था, और साथ ही उन्होंने पाया कि इन गैलेक्सीज के अंदर इतना मैटर था ही नहीं कि वे इतने ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल को पैदा कर सके कि वे अपने अंदर मौजूद तारों को खुद के स्ट्रक्चर में बांध कर रख सकें। लेकिन तारे फिर भी स्ट्रक्चर में बंधे हुए थे। तो अब सवाल ये उठ रहा था कि अगर इन गैलेक्सीज में इतना शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल पैदा करने वाला मैटर मौजूद नहीं है तो फिर कुछ तो ऐसी रहस्यमय चीज जरूर है जो इन गैलेक्सीज के तारों को इसमें बांधे हुए है। और इतना ही नहीं, जब उन्होंने अपनी पड़ोसी गैलेक्सी एंड्रोमेडा के अंदर मौजूद तारों के घूमने की स्पीड को मेजर किया तो पाया गया कि ये तारे अपनी असल स्पीड से कुछ ज्यादा ही तेज गति से घूम रहे थे। तो इन ऑब्जर्वेशन से ये बात तो तय हो गई थी कि इन गैलेक्सीज में कुछ और ज्यादा मैस भी मौजूद है जो कि किसी तारे या चमकने वाली वस्तु के रूप में दिखाई नहीं दे रहा है।
और फिर बाद में हुई शोधों से ये पता चला कि ऐसा ही कुछ दूसरी और गैलेक्सीज के साथ भी हो रहा है। तो आखिर ये इनविजिबल मैस, यानी कि जो दिखाई नहीं दे रहा था पर जिसके प्रभाव को महसूस किया जा सकता था, वह क्या था? बाद में वैज्ञानिकों ने इसे नाम दिया डार्क मैटर, क्योंकि ये दिखाई नहीं देता है। और ये डार्क मैटर सिर्फ और सिर्फ गैलेक्सीज में ही नहीं बल्कि उनके क्लस्टर्स को भी बनाए रखता है। और जैसा कि हमें पता है कि साधारण मैटर या बारियोनिक मैटर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है, लेकिन साइंटिस्ट अब तक ये नहीं जान पाए हैं कि आखिर डार्क मैटर किस चीज से मिलकर बना हो सकता है, क्योंकि ये साधारण मैटर यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ इंटरैक्ट नहीं करता है। वैज्ञानिकों के अनुसार अगर ये डस्ट या गैस का क्लाउड होता तो प्रकाश के परावर्तन के द्वारा आसानी से जरूर देखा जा सकता था, या फिर अगर ये एंटी मैटर होता तो यह साधारण पदार्थ के साथ इंटरेक्ट कर गामा रेस को छोड़ता, और तो और ये ना ही न्यूट्रिनो है। वैज्ञानिकों के अनुसार ये ब्रह्मांड के जाल में गुथे हुए स्पेस की तरह हो सकता है। पर जो भी हो, ये विज्ञान के लिए आज भी एक रहस्य ही बना हुआ है, जो दिखाई तो नहीं देता है पर महसूस किया जा सकता है। पर रहस्यमय वस्तुओं की दौड़ की कहानी यहीं नहीं रुकती, इसमें डार्क एनर्जी भी पीछे नहीं है। आइंस्टाइन पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने महसूस किया था कि स्पेस, जिसे खाली स्थान माना जाता है, वास्तव में खाली नहीं है। सन 1915 में अपनी थ्योरी जनरल रिलेटिविटी पेश करने के बाद 1917 में सर आइंस्टाइन ने एक टर्म कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट यानी ब्रह्मांडीय स्थिरांक के द्वारा पहली बार एक प्रकार के कॉस्मिक रिपल्सिव फोर्स की कल्पना की थी, जहां एक ऐसा बल जो ग्रेविटी के विरुद्ध काम करता हो। वैसे इसे उन्होंने अपनी थ्योरी में अनिच्छा से पेश किया था क्योंकि ब्रह्मांड को स्थिर माना जाता रहा था। फिर 1920 के दशक में अमेरिकी एस्ट्रोनॉमर एडविन हबल की खोजों के बाद ये पता चला कि ब्रह्मांड असल में स्थिर नहीं है बल्कि इसका विस्तार यानी एक्सपेंशन हो रहा है। लेकिन तब माना जाता रहा था कि इस विस्तार की गति बहुत धीमी है। और जैसा कि हमें पता है, सितारों के जीवन के अंतिम चरण में जब उनका मैस एक लिमिट तक उनकी कोर में समा जाता है तो उसमें विस्फोट हो जाने के कारण वो गैलेक्सी के आकाश में गहरी चमक को बनाते हैं, और ये चमक काफी लंबे समय तक बनी रहती है। इस घटना को अक्सर हम सुपरनोवा नाम से भी जानते हैं। सन 1998 में एस्ट्रोनॉमर्स की दो इंटरनेशनल टीम्स, जिनमें अमेरिकी एस्ट्रोनॉमर शॉल पर्लमटर, एडम जी रॉयस और ऑस्ट्रेलिया के एस्ट्रोनॉमर ब्रायन पी श्मिट शामिल थे, एक टाइप के एले सुपरनोवा की स्टडी पर काम कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने ऑब्जर्वेशंस में पाया कि इन सुपरनोवास की चमक वास्तव में जितनी रहनी चाहिए थी वह उससे कम होती जा रही थी, क्योंकि उनसे आने वाले प्रकाश की किरणें रेड शिफ्टेड होती जा रही थीं। ये कैलकुलेशंस डुप्लर इफेक्ट की वजह से उत्पन्न हुए रेड शिफ्ट के मेजरमेंट से की जाती हैं। इसका मतलब था कि वो हमसे दूर जा रहे हैं, यानी कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। और जैसा कि पहले माना जाता रहा था कि ब्रह्मांड के विस्तार की गति धीमी है, लेकिन इसके विपरीत स्टडीज में पाया गया कि गैलेक्सीज एक समान स्पीड से ना चलकर उनकी स्पीड प्रति सेकंड बढ़ रही है। वे तेजी से हमसे दूर होकर एक्सेलरेट कर रही हैं। और फिजिक्स के लॉज कहते हैं ऐसा तब होता है जब किसी वस्तु पर भारी बल लगाया जा रहा हो, यानी कि ग्रेविटी का विरोध करके गैलेक्सीज को एक दूसरे से दूर किया जा रहा है। और इसी के साथ ही सवाल भी पैदा हुए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा कौन सा बल या ऊर्जा है जो इतने विशाल गैलेक्सीज को दूर धकेल रही थी? और काफी गहन शोधन के बाद वैज्ञानिकों ने इसे नाम दिया डार्क एनर्जी। और इसी विशेष खोज के लिए साल 2011 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार इन तीनों वैज्ञानिक सॉल पर्लमटर, ब्रायन श्मिट तथा एडम रेइस को दिया गया। डार्क एनर्जी एक विशेष प्रकार का रिपल्सन फोर्स यानी प्रतिकर्षण बल है, जिसका मैटर, एंटी मैटर या डार्क मैटर से कोई रिलेशन नहीं है। और एस्ट्रोनॉमर्स के अनुसार इस ब्रह्मांड का 75% भाग डार्क एनर्जी से ही बना हुआ है, जबकि 20% भाग डार्क मैटर से बना है और बाकी बचा हुआ 5% भाग साधारण पदार्थ से मिलकर बना हुआ है, वो मैटर जिसे हम अपनी आंखों से देख पाते हैं। डार्क एनर्जी एक ऐसा बल है जिसका राज पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है, भले ही वैज्ञानिक इसके रहस्यों को अभी नहीं समझ पाए हों और इसको समझने के लिए रिसर्चेस चल रही हों, लेकिन इतना जरूर बता पाए हैं कि इसके कारण हो रहे एक्सपेंशन की वजह से अरबों सालों बाद गैलेक्सीज एक दूसरे से बहुत दूर हो जाएंगी। वाकई ब्रह्मांडीय जगत में इतनी उन्नति करने के बावजूद भी आज भी ब्रह्मांड में कुछ रहस्य ऐसे हैं जो वैज्ञानिकों की समझ से बहुत परे साबित हुए हैं। तो गाइज आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी और वीडियो पसंद आई होगी। अगर वाकई ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस नोटिफिकेशन बेल को दबाकर। अगर आपकी कोई राय या सुझाव है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो अब मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय गाइज एंड टेक केयर।